उत्तराखंड में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत चल रही अग्निवीर भर्ती की शुरुआत हो गई है, जिसमें लाखों युवा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं। बता दें कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 5 सितंबर से सेना में भर्ती के लिए पिथौरागढ़ और चंपावत के युवा शारीरिक परीक्षा देंगे। उत्तराखंड से अग्निवीर भर्ती के लिए 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने पंजीकरण किया है, जिसमें से 60,000 युवा गढ़वाल मंडल में वर्तमान में अपना दम दिखा रहे हैं। इस शारीरिक परीक्षा को पास करने के लिए 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है, जिसमें 5.40 सेकंड में इसे पूरा करना होगा, जिसे 6 मिनट से भी कम समय में पूरा करना होगा। इसके साथ ही भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी की ऊंचाई कम से कम 163 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए मानक तय किए गए हैं। 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को इस बार छूट दी गई। इस बार की भर्ती में 23 साल तक युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिससे सेना की वर्दी पहनने का ख्वाब उनका जल्द से जल्द पूरा होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिथौरागढ़ में अग्निवीर बनने की तैयारी करने वाले युवाओं ने गढ़वाल मंडल में चल रही भर्ती में 300 लोगों को एक साथ दौड़ाकर 10 से भी कम लोगों को भर्ती करने को लेकर निराशा भी जाहिर की है। अग्निपथ योजना के जरिए थल सेना में पूरे देश में पहले चरण में 25,000 सैनिकों की भर्ती चल रही है, जिसमें युवा पूरे उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। भर्ती के अंतिम प्रयास में उम्मीदें लगाए बैठे ज्यादातर लोगों के हाथ अब तक निराशा ही लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।